सत्ता के महासंग्राम में सियासी योद्धाओं की तरफ से तरह तरह की रणनीतियों के साथ अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं और साथ में अपने विरोधियों पर तीखे प्रहार किए जा रहे हैं। हरियाणा का सियासी माहौल अब गर्माता जा रहा है। अभी तक हम देख रहे थे कि बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर निशाना साधते थे, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता एक दूसरे पर निशाना साधते थे, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के अभय चौटाला विपक्ष सरकार पर और दूसरी विरोधी पार्टियों पर निशाना साधते थे। लेकिन अब जो लोग कुछ महीनों पहले तक गठबंधन की सरकार में थे, गठबंधन धर्म निभाने की बात कर रहे थे, बीजेपी और जेजेपी के नेता, वो अब एक दूसरे पर जमकर प्रहार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने तो यहां तक कह दिया कि दुष्यंत चौटाला अपने गृहवान में झांके। दुष्यंत चौटाला ने किसानों के मुद्दे पर, फसलों की खरीद के मुद्दे पर, किसानों को मिलने वाली पेमेंट पर सवाल उठाए थे। इसके अलावा कुछ और भी सवाल उठाए गए। दिग्विजय चौटाला ने यह कहा था कि हरियाणा के मुख्यमंत्री की हालत पंजाब के मुख्यमंत्री जैसी, पंजाब के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे चरणजीत सिंह चन्नी, उन जैसी हो गई है। और बहुत कुछ एक दूसरे के लिए कहा गया और इसी सिलसिले में अब लगातार तीखी बयानबाजियां हो रही हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के नेता अभय चौटाला ने यह कह दिया कि शराब घोटाले को लेकर बहुत से सवाल उठे थे, अगर उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी जाए तो शिकायत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री ने यह कहा कि अगर दुष्यंत चौटाला के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत आती है, कोई शिकायत आती है तो हम जांच करवाएंगे। और यह भी कहा कि दुष्यंत चौटाला के विधायकों ने सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर उन पर निशाना साधा था, उन पर बयान दिया था। यह रिपोर्ट देखिए। मंडी के आड़तियों से हटाकर अपने कमीशन एजेंट्स को देना से दिखता है कि वो चुनिंदा लोगों से ही कार्य करवाना चाह रहे थे। दुष्यंत चौटाला अपने गिरे वाहन में जाके हमारे पास अगर कोई एप्लीकेशन आती है बिल्कुल उसकी जांच कराएंगे। हरियाणा में चुनावी पारा चढ़ा है। 10 सीटों की लड़ाई में बीजेपी ने अपने कैंपेन की रफ्तार को बढ़ाया है। सभी 10 सीटों पर प्रचार की कमान खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने हाथ में ली है। 25 मई को हरियाणा में एक ही चरण में सभी 10 सीटों पर मतदान है। उससे पहले राज्य में सियासत का पारा 7वें आसमान पर जाता दिख रहा है। बयानबाजी तेज है। हरियाणा में 10 सीटों की लड़ाई इसलिए काफी अहम है क्योंकि 4.5 साल तक एक साथ सरकार में रहने के बाद बीजेपी और जेजेपी के रास्ते अलग हैं और अब एक दूसरे को चुनावी मैदान में घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा। 4.5 साल जेजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाने वाली बीजेपी ने चुनाव से एन पहले जेजेपी से रास्ते अलग किए। मनोहर लाल की जगह नायब सैनी को मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई। मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाली सैनी के लिए हरियाणा की 10 सीटें उनकी पहली अग्नि परीक्षा है। जिस जेजेपी के साथ 4.5 साल सरकार चलाई उसी जेजेपी के तेवर बीजेपी के खिलाफ तल्ख है। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सीएम नायब सैनी पर बड़ा सियासी हमला बोला। आरोप लगाया हेफेड की परचेज को प्राइवेट मंडी के आड़तियों से हटाया, अपने कमीशन एजेंटों को दिया। जेजेपी की तरफ से हो रहे सियासी वार पर सीएम सैनी का पलटवार है। सीएम सैनी ने दुष्यंत चौटाला को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दे डाली। करप्शन को लेकर जेजेपी को घेरा। देखो आज के दिन हेफेड की परचेज को प्राइवेट मंडी के आड़तियों से हटाकर अपने कमीशन एजेंट्स को देना एजेंसी के माध्यम से, दिखता है कि वो चुनिंदा लोगों से ही कार्य करवाना चाह रहे थे। और मैं ये मानता हूँ कि ये नए मुख्यमंत्री का फेलियर है कि वो अब तक इस पूरी जिम्मेवारी को संभाल नहीं पाए। उनको बैठना चाहिए अधिकारियों के साथ, समय लगाना चाहिए। दुष्यंत चौटाला अपने गिरे वाहन में जाके देखे कि हमने क्या किया है क्या नहीं किया है, उसको समझना चाहिए कि मेरे विधायक जो मेरे सिंबल के ऊपर वो चुन करके आए और वही मेरे विधायक मेरे ऊपर भ्रष्टाचार को लेकर के उन्होंने उसके ऊपर भला बुरा कहा है, उसको समझना चाहिए। यहाँ ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर ये सरकार काम करती है। देखिए उनके विधायक ही उसके खिलाफ खड़े हुए हैं, कोई और नहीं। हमने कहा है जीरो टॉलरेंस। अगर हमारे पास अगर कोई एप्लीकेशन आती है बिल्कुल उसकी जांच कराएंगे। एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है, शराब घोटाले की जांच हो चुकी है और रिपोर्ट सरकार के पास है। रजिस्ट्री घोटाले की जांच हो चुकी है, रिपोर्ट सरकार के पास है। अगर मुख्यमंत्री में दम है भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ करने का तो फिर शराब घोटाले को सार्वजनिक करें। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी के रास्ते चुनाव से पहले अलग हुए। बीजेपी अब चुनावी दंगल में अकेले। जेजेपी की तरफ से लगातार प्रहार बीजेपी पर हो रहे हैं। हरियाणा के रण में सियासी वार पलटवार का खेल है। आरोपों की तेज बौछार है।
का हो, जो विरोध हो रहा है वो आपको भी पता मुझे भी पता है। कुछ लोग सिरफरे ऐसे होते हैं जो अपनी दबंगाई जो चलाते हैं, पहले चल जाती थी, अब चलती नहीं है। और उनको ये भी समझ में आ रहा है अगर विरोध करने वाले 10 होते हैं और जितना ज़्यादा विरोध करते हैं वहीं सैकड़ों लोग उस विरोध के परिणाम स्वरूप जो इकट्ठे होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं उनके विरोध के कारण से। किसी को सिरफिरा कहना, किसी को इस तरह की बात कहना गलत है। हरियाणा का प्रत्येक जन हमारे परिवार का सदस्य है और अपने ही परिवार के लोगों को सिरफिरा कह देना, पागल कह देना, ये मनोहर लाल जी की गलत मानसिकता को दर्शाता है। मैं ये मानता हूँ कि हरियाणा में 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का अगर सबसे कमजोर दावेदार है तो वो मनोहर लाल है। बेशर्ते भूपेंद्र हुड्डा और मनोहर लाल के बीच की जो सांठगांठ है उसके हिसाब से चुनाव नहीं लड़ा गया तो कांग्रेस और विपक्ष अच्छा मजबूत कैंडिडेट अगर उतारेगा तो मैं ये मानता हूँ मनोहर लाल की हार निश्चित है। नायब सैनी की करनाल की सीट पर हार निश्चित है। हरियाणा में 2019 में बीजेपी ने सभी 10 सीटें जीती थी। अब की बार बीजेपी 10 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। 400 पार के हुंकार एनडीए के लिए पूरे देश में है। 400 पार पर सियासी जंग आर पार है। बीजेपी और जीजेपी में तलवारें खिंची। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा 1977 में लोगों ने देखा था और मैं मानता हूँ उस समय मुरारजी देसाई को लोगों ने चुना और इंदिरा गांधी को देश से हटाया, सांसद पद से भी बाहरी, शायद 400 पार भी उसी तरह कोलैप्स होगा। देखिए उनका कहना कुछ भी हो, जो विरोध में लोग खड़े हैं उनको इस प्रकार के कहने में कोई हर्ज नहीं हमको लगता, क्योंकि विरोध में खड़े हैं। विपक्ष के आदमी किसी प्रकार के अनाप शनाप अनर्गल प्रकार करेंगे, हमें उसका फर्क पड़ता नहीं है। और अगर ये बात भी पूछनी है तो उन्हीं से पूछें। हमको हमारा विश्वास है कि हरियाणा देश भर में जो हमारा एक लक्ष्य है कि 400 से पार सीटें हम निश्चित रूप से जीतेंगे, जिसमें 370 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी और 30 से ऊपर जो एनडीए के अन्य जो घटक हैं वो सब मिलकर के और 400 पार ये सीटें जीतेंगे और बहुत एक अच्छे और कंफर्टेबल स्थिति और ये हमारी बनेगी। बीजेपी और जेजेपी में छिड़ी सियासी जंग पर कांग्रेस भी बयान देने में पीछे नहीं है। कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं बीजेपी ने चुनाव से पहले गठबंधन और सीएम का चेहरा बदला, लेकिन अब। और इस वक्त हमारे साथ जेजेपी के वरिष्ठ नेता प्रधान महासचिव दिग्विजय चौटाला जी जुड़ चुके हैं। नमस्कार दिग्विजय जी, स्वागत है खबर अभी तक पर। दिग्विजय जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी दिग्विजय जी, अब तो माहौल पूरी तरह से गर्मा रहा है। आपने बयान सुन लिया मुख्यमंत्री का, कह रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला के खिलाफ अगर शिकायत आती है तो जांच करवाएंगे क्योंकि हमारी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में कोई समझौता नहीं करती। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अपने गृहवान में झांके, आपकी पार्टी के विधायकों ने ही अपने नेता के खिलाफ बयान दिए। मुख्यमंत्री नए नए मुख्यमंत्री बने हैं और उन्हें ये नहीं पता कि जिस कैबिनेट के दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री और मंत्री थे उस कैबिनेट के नायब सैनी के माई बाप और हरियाणा के सुपर सीएम मनोहर लाल चीफ मिनिस्टर थे। दुष्यंत चौटाला कोई अनपढ़ और इतना नाजुक आदमी नहीं है कि इन लोगों की उसमें आ जाएगा। दुष्यंत चौटाला और हरियाणा की सरकार का जो भी फैसला लिया है वो फैसला मनोहर लाल के सिग्नेचर के तहत हुआ है, हरियाणा की कैबिनेट के मुखिया के तहत हुआ है। तो हरियाणा की सरकार के अंदर सभी जो काम 4.25 साल में हुए वो दुष्यंत चौटाला ने तो जो भी मामला होगा उसे आगे बढ़ाया, बट उस पर मनोहर लाल की भी मोहर लगी। तो ये बात तय है कि हम तो खुले तौर पर पहले भी चुनौती देते रहे, कोई भी इस तरह का मामला है तो सामने लेकर के आओ। अभय सिंह चौटाला काफी समय तक बोलते रहे, आज तक कोई बात भी वो आगे नहीं ला पाए। और आज भी उन्होंने कहा कि अब तो जो शराब का मामला उठाता तो उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया जाए तो किसी की शिकायत की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभय चौटाला भी ये कह रहे हैं तो कर दिया जाए ना, हम कौन सा रोक रहे हैं, किसने रोका है, रोका किसने है, हमने तो कभी रोका ही नहीं जी। और जो है होना चाहिए, जनता के प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए, किसने रोका है किसी चीज को, सारी चीजें सामने होनी चाहिए। हमने तो कभी प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती जी। मैंने खुले तौर पर कहा था कि मैं ओपन डिबेट के लिए तैयार हूँ कि दुष्यंत चौटाला के खिलाफ कोई बात है तो लेकर के आए। कोई बात लेकर के ही नहीं आए, अभी साल दो साल हो गया अभय सिंह चौटाला तो पहले विधानसभा के सेशन से कह रहे हैं मैं लेके आऊंगा, कहाँ है अभय सिंह चौटाला, झूठ किसने बोल रहे हैं। अभय सिंह चौटाला ने ये कहा था कि मैं रजिस्ट्री लेकर के आऊंगा, क्यों नहीं लेकर के आया अभय सिंह चौटाला जी। तो ये झूठ जनता को, झूठ जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जनता वोट की ताकत से ऐसे झूठे लोगों का सफाया हरियाणा से करेगी। मनोहर लाल जी के बाद नायब सैनी तो हरियाणा के चरणजीत सिंह चन्नी है, जो सिर्फ 2 महीने के लिए असली मायने में मुख्यमंत्री रहेंगे। 2 महीने
यानी जून में तो ये हटेगी आचार संहिता, जुलाई और अगस्त में रहेंगी, सितंबर में फिर लग जाएगी। दो महीने में ना वो कोई नई पॉलिसी इंप्लीमेंट कर पाएंगे, ना वो कोई काम करवा पाएंगे। वो तो सिर्फ एक मुखौटा बदल करके जनता को गुमराह करने का प्रयास किया है। आपके इस बयान पर भी बीजेपी के नेता लगातार पलटवार कर रहे हैं कि दिग्विजय चौटाला ने नायब सैनिक का संघर्ष नहीं देखा, वो जमीन से जुड़े नेता हैं, किसान के बेटे हैं, इस तरह की टिप्पणियां अच्छी नहीं है। किसान के वो अकेले बेटे हैं क्या? वो हरियाणा में किसान के वो अकेले बेटे हैं क्या? मैं कब कह रहा हूँ कि संघर्ष नहीं किया होगा? संघर्ष किया तो अच्छी बात है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें बनाया सिर्फ दो महीने के लिए ही है। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने संघर्ष नहीं किया होगा। संघर्ष किया होगा, अच्छी बात है, संघर्ष किया होगा तो उसकी पॉलिटिकल पार्टी ने उन्हें आगे बढ़ाया है। संघर्ष क्या अकेले नायब सैनी ने किया है क्या हरियाणा में? मनोहर लाल का क्या संघर्ष था बताओ? मनोहर लाल कट्टर जी का क्या संघर्ष था हरियाणा की जनता के लिए? कोई संघर्ष ही नहीं था, वो भी तो मुख्यमंत्री रहे 9 साल। ये तो समय का और वो हेरफेर होता है जी। लेकिन आज मनोहर लाल भी बयान दे रहे हैं कि जो निर्दोष है उसको घबराने की जरूरत नहीं है, और जहां जांच होगी तो फिर वहां जो भी होगी कार्रवाई होकर रहेगी। चीजों की जांच बिल्कुल खुल के जांच होनी चाहिए, एक भी कोई भी चीज छुपी नहीं रहनी चाहिए जनता से। लेकिन ऐसे वक्त में जब जाहिर सी बात है दिग्विजय जी, जब दो पार्टियां अलग अलग होती हैं तो इस तरह की बयानबाजी होती है, लेकिन ऐसे वक्त में चुनाव के दौरान इस तरह की जो बयानबाजी हो रही है, चाहे वो आपकी तरफ से या फिर मुख्यमंत्री की तरफ से, कि गृहबान में झांकना चाहिए, क्या इशारा करती है? मैं तो खुले तौर पर चाहूंगा ये सारे लोग एक्सपोज होने चाहिए। अच्छा, कि कौन क्या किस चीज में सम्मिलित है, कहां शामिल है, सारी चीजें। हमने तो कभी किसी चीज से ना किनारा किया ना छुपाया जी। और अगर ऐसी कोई चीज थी तो फिर मनोहर लाल जी सवा 4 साल जो है किस चीज को लेकर के छुपते? अगर जो है ना वो 4.25 साल छुप थे, इसका मतलब वो हैंड इन ग्लव है। ठीक, दिग्विजय एक सवाल और है मेरा आपसे। आपने कहा कि मनोहर लाल हरियाणा में बीजेपी के सबसे कमजोर उम्मीदवार हैं, आपको ऐसा क्यों लगता है? वो तो अलग अलग जगहों पर जाकर अपने लिए भी प्रचार कर रहे हैं और तो अपनी पार्टी के लिए भी प्रचार कर रहे हैं। उनको तो बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो विकास किया जितना हरियाणा में कभी नहीं हुआ। बेशर्ते उनके खिलाफ अच्छा कैंडिडेट आए, अगर उनके खिलाफ मजबूत कैंडिडेट आएगा जो कि अभी भविष्य के घर में है, एक दो दिन में ही तय हो जाएगा, तो मनोहर लाल जी दोबारा ये इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। ना ही करनाल उपचुनाव की सीट जो है, सिटी की सीट, वो किसी भी स्तर पर नायब सैनी जी जीत पाएंगे। हालात ऐसे हैं, हम फील्ड में घूम रहे हैं, लोगों पे जो भावना है उससे पता लग रहा है। मैं वैसे कोई ज्योतिष पंडित थोड़ी हूँ जो कह रहा हूँ कि वो चुनाव जीतेंगे यहाँ। ठीक, मेरा एक सवाल और है दिग्विजय जी, आप लोगों का गठबंधन टूटा, देखिए इस पर हो सकता है आप कई बार बयान दे चुके हों, लेकिन अब नए सिरे से बहुत सारी चीजें राजनीति में आ रही हैं। आप लोगों का गठबंधन टूटा सीटों पर फैसला न होने को लेकर, लेकिन सरकार में जो चेंजेस आए उसकी बड़ी वजह क्या थी? नहीं, मैं इसके बारे में क्या बता सकता हूँ? मैं तो उसमें ना शामिल हूँ, ना कोई सरकार में शामिल था मैं जी, ना मैं कोई फैसला लेने में इस तरह की उसमें शामिल हूँ, मैं कैसे बता सकता हूँ? ये तो पार्टी की टॉप लीडरशिप बता सकती है, वो बीजेपी वाले बता सकते हैं, बीजेपी की टॉप लीडरशिप बता सकती है, मैं कैसे बता सकता हूँ? बहुत शुक्रिया दिग्विजय चौटाला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। दिग्विजय चौटाला एक बार फिर उन्होंने कहा कि बिल्कुल जो रिपोर्ट है, जो शराब घोटाले को लेकर कहा जाता है, तो वो सार्वजनिक होनी चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से जो भी कहा जा रहा है, और जो उन्होंने पलटवार किया था कि चरणजीत सिंह चन्नी से तुलना की थी कि ऐसा ही है, और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को लेकर फिर उन्होंने कहा कि ये पता चल जाएगा इलेक्शन में अगर कांग्रेस कोई मजबूत उम्मीदवार उनके खिलाफ उतारती है।